सामने हूँ, पीठ पीछे बात नहीं करता, सामने आके बात करता हूँ। क्या प्रोडक्ट में रिजल्ट है या नहीं है? तो मांग दी रहती थी दवा, दवा लेती, मतलब रहती ना उठा जाता था ना झुका जाता था। अली नोती आती हूँ, अली दवा हो रहा था, वाकी वाकी डालते जी। 6 साल से उनका कहना, 6 साल से उठने बैठने में तकलीफ। हाँ बहुत दवा ले लेन था कि पर मन मैं तो नहीं सरकारी में कैट लाए रही। मुझे डायबिटीज 5 साल से है, लेकिन 700 साढ़े 700 रहता था मेरा डायबिटीज। अभी डायबोडॉग और ठंडा ब्लास्ट के रिजल्ट से मुझे अभी 200 हो गया है डायबिटीज। आज पूरी दुनिया में ये टंके की चोट पे आप भी कह सकते हो और मैं भी कह सकता हूँ कि बेस्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कोई कंपनी बनाती है तो उसका नाम है AWPL, AWPL, AWPL। यस और नो भाई, आप लोग प्रोडक्ट देते हो लोगों को? आमने सामने हूँ, पीठ पीछे बात नहीं करता, सामने आके बात करता हूँ। क्या प्रोडक्ट में रिजल्ट है या नहीं है? रिजल्ट है या नहीं है? लोगों को फायदा है या नहीं है? हमें लोग गालियां देते हैं, दुआ देते हैं, आवाज नहीं आई, गालियां देते हैं, दुआ देते हैं। अरे दुआ के साथ दौलत आ जाए, इससे बेहतर जीवन हो नहीं सकता। मैं तो चाहूंगा, इतने सारे लोग, नए लोग भी आए होंगे, पहली बार भी कुछ लोग आए होंगे, मैं चाहूंगा अगर कोई रिजल्ट हो हमारे बीच में, कोई क्रिटिकल रिजल्ट हो तो उठ के आए, कोई भी आए, भीड़ में से उठ के आए और बताए क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या तकलीफ थी और आज वो कहां पर है, कितना ठीक है। कोई भी, मैं कहूंगा 2-4 लोग आए ऐसे, ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना, बनावटी बात नहीं, कंपनी वाली बात नहीं, सच्चाई के साथ बताए, प्रूफ के साथ बताए, एविडेंस के साथ बताएं। क्योंकि जितने नए लोग हैं वो सोच रहे होंगे ऐसी क्या जड़ी बूटी बनाते हो जो कोई नहीं बना पाया। भाई बना सब सकते थे, सिर्फ लालच खत्म करना पड़ता है। ये आयुर्वेद है, आयुर्वेद के अंदर भावना से चलता है। आयुर्वेद क्या जड़ी बूटी है, जैसे हम खाना खाते हैं प्योर से, प्योर आम, प्योर सब्जी, तो आयुर्वेद में भाव चलता है। क्योंकि ये इंसान ने नहीं बनाया, किसने बनाया है, किसने बनाया है, भगवान ने। और जब भगवान कोई चीज बनाता है तो चीज लालच से नहीं चलेगी, भाव से चलती है। अगर प्योर आयुर्वेद बनाया जाए, प्योर प्रोडक्ट डाले जाए, प्योर जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाए, प्योरिटी रखी जाए, तो आयुर्वेद कैंसर ठीक करने में भी सहायता करता है। तो मैं चाहूंगा जितने भी नए लोग हैं, फिर मैं अपनी बात आगे करूंगा, प्लीज इन लोगों से बात करते हैं, एक एक आधी आधी मिनट पूछते हैं कहां के रहने वाले हैं। हम कोई वो तो नहीं है कि आके आपको झूठ चिपका रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। साहब डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ काम का तरीका है, लेकिन मेन काम हमारा प्रोडक्ट है। मेन प्रायोरिटी प्राइमरी क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, प्लान सेकेंडरी है। तो मैं चाहूंगा किसी किसी व्यक्ति से बात करना। आप बताइए आप कहां के रहने वाले? सूरत से रहने वाले। आप बताइए थोड़ा, सूरत से रहने वाले क्या प्रॉब्लम थी? मैं आज सर ये चल के आई हूँ ना, ये प्रोडक्ट का ही कमाल है, ये चल के आई हूँ ऐसे बस दिल से बोल रही हूँ। आपने बताया ना प्रोडक्ट का ही पावर है, मैं ये इस कंपनी में प्रोडक्ट से ही जुड़ी हुई हूँ। अच्छा आप चल के आई हैं, यानी आप पहले आप चल नहीं सकते थे, चल ही नहीं सकते थे, दवाई खा के ही चलते थे। और अभी बिना दवाई के अपनी ये थंडर ब्लास्ट ओमियो क्या बोल रहे हैं, ऑर्थोडॉग थंडर ब्लास्ट और इम्यूनोडॉग। थैंक यू। आप सूरत से? सूरत से। अरे पैसे तो नहीं दिए आप? नहीं नहीं। ऐसे भी करते हैं आजकल कंपनी वाले, झूठे चेक दिखाएंगे, झूठे पैसे दिखाएंगे, झूठी अचीवमेंट दिखाएंगे, लेकिन अपन प्योर हैं, इनके घर जाके पता कर लेना। आप बताइए। मेरा नाम किरण सावज है और मैं अमरेली से बिलोंग करती हूँ, और मेरे पैरों में दर्द था, 3 बार ऑपरेशन हुआ मेरा। 3 बार ऑपरेशन हुआ? 3 बार, अभी भी प्लेट है मेरे पैर में, प्लेट है। पर मुझे इस कंपनी में जो प्रोडक्ट थी आपने बनाई, उसने रिजल्ट दिया और आज मैं यहाँ पर इसकी वजह से खड़ी हूँ। कैसी ताली होनी चाहिए? अगर मेरा पैर है आज,
तो इस कंपनी की वजह से, इस प्रोडक्ट की वजह से है, और अब मैंने ऑर्थो और थंडर ली थी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सच बोल रहे हो ना? हेलो सर, नमस्ते। मेरा नाम ठाकुर स्मिता है, मैं अहमदाबाद से हूँ। मुझे डायबिटीज 5 साल से है, लेकिन 700 रहता था मेरा डायबिटीज। अभी डायबोडॉग और ठंडा ब्लास्ट के रिजल्ट से मुझे अभी 200 हो गया है डायबिटीज। थैंक यू एसली प्लीज। थैंक यू संजय सर। थैंक यू मैडम। 750 डायबिटीज का मतलब है बिल्कुल भगवान के घर पहुंच जाना। 750 डायबिटीज का मतलब है सीधा भगवान का गेट खटखटा दिया था इन्होंने। कोई फाइटर चला गया इनके गेट पे यमराज के, और बोला चलो एक बार इधर देख लो, बच गई है। ये देखिए हमारी खाला 74 रनिंग। लेडी मेरे रिश्तेदार है सूरत के, उनका कैंसर का रिजल्ट लिया मैंने। 74 हमारी खाला की रनिंग है एज, 88 साल की इनकी रिलेटिव है, उनको कैंसर था, उसमें प्रोडक्ट दिए क्लोरोडोक और शॉर्ट 30 दी। अरे इस पे तो खड़े होके ताली होनी चाहिए यार, खड़े होके ताली होनी चाहिए। 8 दिन में लोही बंद हो गया, जो ब्लीडिंग की गांठा गिरती थी उनके, और कैंसर आंतड़े के ऊपर अंदर गांठ थी। 8 दिन में बंद हो गया, लोही बंद हो गया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नमस्कार दोस्तों, मैं अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ और जमाली सरकार की टीम से, और सबसे पहले मैं अपने गुरुजी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रॉब्लम क्या थी गुरुजी, बाद में आएंगे, प्रॉब्लम बताओ। दिल में सुराख था बच्चे को। सामने ही रहती थी, तो मैं अपने वो संकुच प्लाजा में अपना सेमिनार होता है, तो मैं वहाँ रिजल्ट लेके भी आई थी साबुत के साथ। तो फिर मैंने मेरे गुरुजी को बताया, वो उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी सर, कि यानी वो ये पंच तुलसी भी लेने की उनकी औकात नहीं थी, लेकिन वो जब खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि खाला मेरे बच्चे को बचा लो, तो मुझे मेरे गुरुजी पे इतना ज़्यादा भरोसा था कि मैं खुद कुछ कह नहीं सकती, इतना भरोसा मुझे था। फिर मैं अपने गुरुजी के पास लेके गई, लेकिन वो बच्चा मात्र 8 महीने का था, तो उसमें हमारे गुरुजी भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि 8 महीने के बच्चे को अपनी प्रोडक्ट दी नहीं जाती है। तो जब मेरे गुरुजी मुझे मना किए, तो मुझे ऐसा यानी अंदर से विश्वास था कि अगर मेरे गुरुजी अगर सिर्फ एक बार हाँ बोलते, तो मैं सिर्फ पंच तुलसी दे के इस बच्चे को ठीक कर सकती हूँ। अच्छा। तो मेरे गुरुजी बोले कि जिद करने लगती हो, जाओ मैं नहीं जानता हूँ कुछ, डांटे हैं मुझे। मैं रोने लगी, फिर मैं घर चली आई। फिर उसके बाद में मेरे गुरुजी का तहे दिल से मैं इंतजार कर रही थी, पूरी रात में इंतजार करी कि ताकि उनका फोन आ जाए। और सुबह जैसे ही हुई, मेरे गुरुजी का फोन आया मेरे पास, उन्होंने बोले कि आप उस बच्चे को लेकर आ जाओ। तो बोले आपको ऐसा लगता है कि ठीक कर दोगे? मैंने बोली आपकी दुआ मेरे साथ है, तो फिर मैं ठीक कर सकती हूँ। तो फिर उन्होंने बोले कि जाओ पंच तुलसी दे दो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो सिर्फ पंच तुलसी उसको दिया, और मैंने बताया क्योंकि उसमें खुशबू आती है तो बच्चे पी नहीं सकते पानी में मिला के, तो मैंने उनको बताया कि 2 टीपा सवेरे डालने का मुंह में, और 2 टीपा दोपहर में, और 2 टीपा रात को। अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने के अंदर उन्होंने चेकअप करवाए और रिजल्ट एकदम जबरदस्त आया, दिल का सुराख अच्छा हो। दिल का सुराख अच्छा हो गया। अब देखो ये प्रोडक्ट मैंने नहीं बनाए, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ना दिल के सुराख के बनाए ना कैंसर के बनाए, बस बाबा महाकाल का कमाल है, भगवान जाने क्या कर रहे हैं वो। पर ये जो बनाया दिल से बनाया है, तो कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी रिजल्ट दे देता है। अपने संजीव सर का बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी जबरदस्त प्रोडक्ट बनाई है, और हमारा पंच तुलसी 2 बूंद जिंदगी के पीते जाओ और जीते जाओ। थैंक यू। आपको आपको भी रिजल्ट आया है? अभी फिलहाल मुझे, मैं बटुए अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ, जमाली सरकार की टीम से हूँ, और अभी मैंने खुद अपने हस्बैंड का रिजल्ट लिया है, और उन्हें डायबिटीज 450 हो गया था, और बीपी 250 से ऊपर होती थी, तो उनको खींच आ गई और बोले डॉक्टर मगज का लकवा हो गया है। तो मगज का लकवा हो गया तो हम LG हॉस्पिटल ले गए और जमाली सरकार को बता के ले गए। फिर वहाँ डॉक्टर आवे तो गुजराती में बोले बहन
तब मैं आशा रख जो नहीं वो इलाज का कर रहे हैं लेकिन बचा नहीं पाएंगे। तो मैंने बोली कि जी आप इलाज करो। फिर वो ICU 1 में रखे, 2 में रखे, 3 में रखे और पता नहीं फिर ऐसे रखे 20 दिन के 15 दिन में मुझे रजा दिए और बोले आशा रखना नहीं, डॉक्टर बोला। अब एक औरत से उसके हस्बैंड के लिए कितनी महत्वपूर्ण बात होगी अगर डॉक्टर मना कर देगा तो मैं रोने लगी। फिर मैंने मेरे जमाली सरकार को बोली कि सरकार ऐसा बोल रहा, फिर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिए। तो मुझे पता चल गया कि डॉक्टर बोल रहा है कि मगज की नस ब्लॉक हो गई है, दिमाग में खून पहुंच नहीं पा रहा है, इसलिए मैं उन्हें बचा नहीं पाऊंगा। तो मैंने बोली ठीक है। फिर थोड़ा सही हुए, फिर 15 दिन में उनको रजा मिली और मैं जमाली सरकार के पास गई। उन्होंने मुझे प्रोडक्ट बताया। ये जमाली सरकार कौन है भाई, ऊपर आओ। फिर उन्होंने क्लोरोडोक दिया और थंडर ब्लास्ट दिया और ग्रैंड डॉग और ऐसे यानी नोनी डॉग, ये सारे। आपके पति के लिए डॉक्टर ने कहा कि ये अब दुनिया से जाएंगे? गए गए या नहीं? बस आपका शुक्रगुजार हूँ और संजीव और मेरे जमाली सरकार की मैं तहे दिल से। वाह जमाली सरकार जी, वाह, मजा आ गया। ऐसे अच्छे लोग, ये लोग दिल से देते होंगे, दिल से कोई भी चीज दी जाती है तो ऊपर वाला सुनता है। आज आपके पति ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी मैं यहाँ आ सकी और उन्होंने मुझे खुद यहाँ भेजा कि जा तू काम भी कर और आगे बढ़, डायमंड बन के दिखा। ये बताओ मुझे, अब ये बताओ, कई लोग बोलते हैं SLPS में ये है, हम ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कंपनी से लोग चले जाएंगे, ये चले जाएगा, ये लोग जाएंगे? इनकी आखिरी सांस तक नहीं जाएंगे। जिनको जिंदगियां देती है SLPS वो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, जीते जी और मरने के बाद भी SLPS के रहेंगे। महत्वपूर्ण बात ये, मैं खुद एक रिजल्ट हूँ, मैंने तो अपना रिजल्ट अभी बता ही नहीं। मुझे मानसिक था, मानसिक यानी मैं समझ में नहीं आता था, मानसिक और डिप्रेशन की गोली और नींद की गोली, और मैं 2 साल कंटिन्यू मैंने ली हूँ। उसके बाद मैं सिर्फ ओनली फॉर सरकार बोले कि तुम तुलसी पियो, तो मैंने बोली मेरे पास पैसे है नहीं, मैं तुलसी ले नहीं सकती सरकार। तो सरकार बोले मेरी सुनती कहाँ हो तुम, मैं बोल बोल करता हूँ, थक गया हूँ लेकिन पियो। तो मैंने बोली अच्छा ठीक है सरकार, फिर आप दे दीजिए। तो उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं लिए और तुलसी दिए। तालियां बजा दो इनके परिवार के लिए। मेरी एज 35-40 साल की मेरी एज है। मैं अमीर कश्मीर हूँ, वेजलपुर जुआपुरा से बिलोंग करती हूँ और फिर दस मैडम के टीम से हूँ। और यहाँ खुद मेरा खुद का रिजल्ट है, मेरे को खुद को मेरे घर में शादी थी, 8-10 दिन बाकी थे और मेरी कमर बराबर की अटक गई थी। फिर डॉक्टर ने किया नहीं वे तुम्हारे को कुछ ना कुछ अब इंजेक्शन देना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। और मैं खुद इसके अंदर जॉइंट थी, मैं काम कर रही थी, मैंने कहा मैं दवाखाने क्यों जाऊँ। मैं दवा करने जब मैंने वो थोड़ा चालू करी और काशी डॉग चालू करी, ठंडा ब्लस्ट ठीक हो गया। आप एकदम रेडी हो गए और कम्प्लीट। भारत माता की, मारे हूँ वहाँ की आम होती ने आज उठाई के बहु मांगी रहती थी दवा, भी वर्ष का दवा लेती, मतलब बहुत मांगी रहती थी, ना उठा जाता था ना झुका जाता था, अली नोती आती हूँ अली दा वर था वहाँ की वहाँ की डालते जी। 6 साल से उनका कहना, 6 साल से उठने बैठने में तकलीफ। हाँ बहुत दवा ले लेन ठाकी पर मन मैं क्यों नहीं सरकारी में कैसा है।